नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील समीर चौपाल संवाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की प्रमुख खबर जानने के लिए आइए देखते हैं सुनील बवी मगध संवाद का खास रिपोर्ट। आज की ताजा व बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर एक आ रही है बड़ी खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सीएम नीतीश का तोहफा, अब सेवा काल में 3 प्रमोशन। बिहार के नियोजित शिक्षकों को अपने सेवा काल में मिलेगा 3 प्रमोशन। अब पूरी खबर विस्तार से। बिहार में लंबे समय से सेवा शर्त नियमावली लागू होने का इंतजार कर रहे बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार नए साल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त की सुविधा देने जा रही है। बता दें कि नियमावली में जो प्रावधान दिए जा रहे हैं उनके मुताबिक हर नियोजित शिक्षकों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति यानी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। वहीं महिला शिक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी। अभी 135 दिनों के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था है। नियमावली ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों की टीम एक्शन में है। 3 सदस्यीय कमेटी बना रही है नियमावली। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के हित में सेवा शर्त नियमावली को लागू करने का सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के आलोक में गठित 3 सदस्यीय कमेटी के स्तर से नियोजित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। जब नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब उस पर विधि विभाग से परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद नियमावली को सरकार लागू करेगी। राज्य के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ। प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त नियमावली का लाभ मिलेगा। ये शिक्षक अभी तक बिना सेवा शर्त नियमावली के ही कार्य कर रहे हैं। सेवा निरंतरता का लाभ देगी सरकार। नियमावली में नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है। इससे प्रत्येक नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। मसलन यदि प्रारंभिक विद्यालयों से हाई स्कूल में कोई शिक्षक शिक्षण कार्य में आया है तो भविष्य में दोनों सेवा अवधि को जोड़कर वरीयता एवं प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इसी तरह प्रधान हाई स्कूल से उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के लिए आए शिक्षक के लिए भी लागू होगा। 10 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन। इसके अलावा 10 साल सेवा पूरी करने के बाद प्रमोशन का लाभ सुनिश्चित होगा। नियोजित शिक्षकों की योग्यता व वरीयता से प्रधानाध्यापक के पद भरे जाएंगे। वरीय शिक्षकों को प्राचार्य में प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान। नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर भी सशर्त प्रावधान तय किए जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं के जिम्मे होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के हित में सेवाशर्त नियमावली को जल्द लागू किया जाना चाहिए। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। मेरे साथ बने रहें और भी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।